الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم वला तरतद्द्दू अलाबार खलीबूरीन सद्लाम ये सूरह मददा की आयत नंबर बीस और इक्कीस आपके सामने तलावत की है इन आयात मुबारक में बल्कि इस पूरे रुकू में अल्ला ताला ने बनी इसराइल के साथ पेश आने वाले एक वाक़े को जिक्र फरमाया है बनी इसराइल के बारे में जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये वो कौम है कि जो हज़रत मूसा की कौम कहलाती है लेकिन दरअसल बनी इसराइल का सिलसिला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू होता है थोड़ा सा बनी इसराइल का तारुफ समझ लीजिए दरअसल बनी इसराइल का मतलब है इसराइल के बेटे और इसराइल नाम है हज़रत याकूब का हज़रत याकूब बेटे हैं हज़रत इसहाक इसहाक़ल के और हज़रत इसहाक इसहाक़्म बेटे हैं हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबी नावलात वाम के तो हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इसहाक़ और हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब सलाम हज़रत याकूब भी अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ने उनको बारह बेटे अता फ़रमाए थे तो चूँकि हज़रत याकूब का एक नाम इसराइल भी था और उनके जो बेटे थे तो वो बनी इसराइल हुए इसराइल के बेटे हुए अल्लाह की शान ये देखें कि उन बेटों में एक बेटे हज़रत यूसफ़लम थे जिनका वाकया भी कुरने करीब में सूर्यसफ़ में बड़ी तफसील के साथ आता है हज़रत यूसुफ और उनके ग्यारह भाई मिलाकर ये बारह बेटे हज़रत याकूब के बेटे और इन बारह बेटों से आगे नस्ल चली ख़ानदान चले नस्ल चली और ये खानदान आगे जा के कबाल बने और ये सारे बारह के बारह कबीले हज़रत बनी इसराइल कहलाए लहजा इसके बाद बाद के ज़माने में बनी इसराइल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो उस कौम के लिए इस्तेमाल हुआ जो हज़रत याकूब अमाम से उनके बेटों के ज़रिए से वजूद में आई तो ये बनी इसराइल अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें भी इनके ऊपर रहीं और बहुत सारे अजाब और बहुत सारी सज़ाओं का भी इनको अपनी बदामालियों की वजह से सामना करना पड़ा इन बनी इसराइल के साथ वाकया ये पेश आया कि जब हज़रत यूसफ़ल को अल्लाह ने मुल्क मिस्र का बादशाह बनाया और उसके बाद उन्होंने अपने वालिद साहब हज़रत याकूब और अपने ग्यारह भाइयों को मुल्क शाम से बैतुल मकदस के पास से बुलाकर कर मुल्के मिस्र में अपने पास आबाद कर लिया तो ये इस तरह से बनी इसराइल वहाँ से मुल्क की तरफ मुंतकिल हो गए मुल्क शाम से मुल्क की तरफ मुंतकिल हो गए और वहाँ पर इनकी नस्ल चली लेकिन उसके बाद जब आगे जाके बनी इसराइल में आमाल की खराबी आई और ये अल्लाह के हुक्मों से दूर होने शुरू हो गए तो अल्लाह ने इनके ऊपर फ़िरौन को मुसल्लत कर दिया चुनाच क़ुरान करीम में जा बाजा इसकी इस तफसील मिलती है कि किस तरह फिरौन बनी इसराइल को अजाब दिया करता था उनको गुलाम बना के रखा हुआ था और उनको हती कि उनके बच्चों को कत्ल करता था तो ये सारे मामलों जो फिरौन इन बनी इसराइल के साथ किया करता था ये उस उन बदामालियों का नतीजा था कि जो बनी इसराइल जिनके अंदर मुबला हुए अल्लाह की नबियों की तालीमत से दूर हुए और उसके नतीजे में दुनिया के अंदर इस अज़ाब और बला के अंदर गिरफ़्तार हुए बिलाख़िर अल्लाह को उनके ऊपर रहम आया और अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनके पास भेजा और हज़रत मूसा आलम ने जब दावत दी फिर को दावत दी और उसके बाद आखिरकार एक लंबा वाकया है जो इन अल्लाह ने चाहा तो फिर किसी मौके के ऊपर उस पर उसको मुफसल तौर पर ज़िक्र करेंगे लेकिन आखिरकार ने फिर आखिर में ये फरमाया इनाम फरमाया कि बनी इसराइल के इस दुश्मन फ़िरन को पानी में फ़र्क़ किया और बनी इसराइल को न सिर्फ़ फ़िर से निजात अता फ़रमाई बल्कि उस मुल्क के का उस उसके खजानों का उसकी बादशाहत का बनी इसराइल को मालिक बना दिया और बनी इसराइल पर अल्लाह ने अपना करम और इनाम फरमाया अब जिस वाकए का जिक्र यहाँ पे होता है वो वाकया इसके बाद का वाकया है ये सूरह माईदा में अल्लाह ताला ने उस वाकए का जिक्र फरमाया है कि जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिरौन से निजात अता फरमा दी और फिर से निजात अता फ़रमाने के बाद उनको मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया तो और उनको इख्तियार ख़ज़ानों का खजाने भी अता फ़रमा दिए तो हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने यह हुक्म फरमाया कि आप बनी इसराइल से कहें कि अब वो तुम्हारा जो पुराना वतन था बैतलमस मकदस के शाम वो जो तुम्हारा वतन था अब उस वतन को वापस हासिल करो उस वतन के ऊपर बैतुलमस के ऊपर एक कौम इमालिका जो काफिर कौम थी जो काफिर लोग थे इमालिका वो इसके ऊपर काबिज हो चुके हैं इसके ऊपर मुसलत हो चुके हैं लिहाजा अब अपने बैतलमस को और मुल्क शाम को दोबारा हासिल करो और वहाँ पे उस कौम के ख़िलाफ़ जहाद के लिए तैयार हो जाओ और वहाँ सफ़र करो चुनाचे हज़रत मूसा हज़रत मूसा ने बनी इसराइल को इस जहाद के लिए तैयार करने के लिए खिताब फरमाया और अपनी कौम से यहाँ पर जो बात फरमाई वो कुरान क़रीम ने जिक्र की है कि हज़रत मूसा ने अपनी कौम से कहा कि या कौम स्कुरु नहमत आम ए कौम अल्लाह का एहसान याद करो जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने किया है अल्लाह ने तुम्हें नबियों को पैदा किया और तुमको अल्लाह ने बादशाह वह आता जो अल्लाह ने दुनिया में किसी को नहीं दिया था बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ने जो नमत अता फरमाई वो उस जमाने में अल्लाह ने किसी पर इतनी नमत नाजिल नहीं फरमाई थी फरमाया इस इनामात का तस्करा करने के बाद अल्लाह के एहसाना का तस्करा करने के बाद हज़रत मूसा ने उनको ये फरमाया कि तो या कौम खुल्जलमुकद्ल कतबल्लक ए कौम उस अर्ज़ पाक में दाखिल हो जाओ उस ज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते मुकर कर दी है तो यहाँ पर हजरत मूसा ने उनको अर्ज मुक़दस में दाखिल होने का हुक्म फरमाया और, और इनके दाखिल होने के लिए उनको हुक्म दिया कि भई अब चलो और यहाँ से मुल्क मिस्र से सफ़र करते हैं और मिस्र से सफ़र करते हुए बैतुलस की तरफ जाते हैं ताकि वहाँ जाके इमालका से जिहाद करेंगे अब वाक़ ये पेश आया कि जब हजरत मूसा आलम इन को लेकर बनी इसराइल को लेकर और बैतुलस की तरफ मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए तो वहाँ रास्ते में एक मकाम पर पहुँचे जो कि बैतुलमक़दस बैतु 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 के और मुल्क शाम, शाम के कुछ करीब था और वहाँ पहुँचने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के ये बारह कबाइल के जो बारह सरदार थे उन सरदारों को मंतखब किया और उनसे कहा कि ज़रा अंदर जाओ और आगे जाके के माल जो वहाँ जिनसे जिहाद करना है उनकी कुछ ख़बरें लेकर आओ उनकी कुछ मालूम करके आओ उनके हालात मालूम करके आओ और वहाँ के नोयीत मालूम करके आओ ताकि हम अपने जिहाद की तैयारी के लिए जिहाद के लिए तैयारी कर सकें और उसकी रोशनी में हमतमली बना सकें चुनाच ये बारह सरदार हज़रत मूसा सलाम के कहने के मुताबिक वहाँ चले गए लेकिन वहाँ जब पहुँचे तो कौम इमालका का कोई आदमी उनको वहाँ मिल गया और इतफ़ाक़ ये हुआ कि वो इमालका का आदमी जो था चूँकि वो इमालका जो कौम थी वो इतनी ताकतवर थी कि वो आदमी इन बारह सरदारों को पकड़ कर गिरफ्तार करके ले गया और अपने बादशाह के सामने पेश कर दिया कि ये लोग हमसे जंग के इरादे से आए हैं लेकिन फिर, फिर उन्होंने उन्हों इनको कत्ल करने के बजाय इस वजह से छोड़ दिया कि जाकर, जाकर ये अपनी, अपनी कौम में ये बात, बात फैला देंगे कि इमालिका तो बहुत ताकतवर, ताकतवर लोग हैं और हम तो इनसे जिहाद नहीं, नहीं, नहीं कर सकते हम इनसे लड़ नहीं सकते चुनाचे लोग वापस आए और वापस आने के बाद इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एमाल की ताकत और क़वत का हाल बतलाया क्योंकि इमाल ये वो कौम थी जो कि कौम आद की एक शाख थी और कौम आद के बारे में तो कुरान करीम ने ख़ुद फरमाया है कि लमय खलक में इसलुहाफिल बिलात कि हमने उस जैसी कौम पैदा नहीं की थी तो कौम आत तो बहुत ताकतवर कौम थी का उन्हीं की खा उन्हीं की नसल में से एक नसल थी और उन्हीं की शाख थी लिहाजा वो कौम आद भी बड़े ताकतवर लोग थे तो इन बारह सरदारों ने जब वहाँ के हाल अहवाल देखे तो ये डर और ख़ौफ के शिकार हो गए और हज़रत मूसा आसलाम से आने के बाद उन्होंने कहा कि जी वहाँ तो हाल बड़ा उनका ताकत और क़वत का हाल है तो हम तो उनसे लड़ने की इस्तात नहीं रखते लेकिन हजरत मूसा अली सलाम ने उनको यह हिदायत दी हजरत मूसा अली सलाम ने क्योंकि वो तो अल्लाह के नबी थे अल्लाह के नबी थे तो उनके ऊपर तो इसका कोई असर ना हुआ उन्होंने यह हिदायत फरमाई कि तुम अपने अपने قوموں में अप अपने, अपने अपने लोगों के अंदर इस बात का तस्करा मत करना लेकिन हुआ ये कि हर सरदार ने इस वाक़े का ज़िक्र अपने अपने लोगों में कर दिया ख़ास लोगों में कर दिया और ख़ास लोगों से ये फिर आम लोगों तक बात पहुंच गई तो बारह सरदारों में से सिर्फ दो सरदार ऐसे थे कि जिन्होंने इस अमानत की लाज रखी बाकी दस सरदार ऐसे थे जिन्होंने सारी की सारी बात अपने लोगों तक पहुंचाई और उसके बाद पूरी कौम के अंदर पूरी बनी इसराइल के अंदर एक बददली फैल गई एक खौफ फैल गया एक तबाहम का शिकार हो गए और एक बुजदली का शिकार हो गए और उन्होंने हज़रत मूसा सलाम से आने के बाद ये कहा कि या मूसा इन नफीहा हा जब्बारीन जब्बारिन के ए मूसा इस शहर में तो बड़ी ज़बरदस्त कौम आबाद है अब इन नुलाहा हताजू मिनह तो इनका मुकाबला तो हमसे हो नहीं सकता लिहाजा जब तक वो लोग यहाँ आबाद हैं जब तक वो लोग यहाँ मौजूद हैं हम वहाँ हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे चुनाचे हजरत मूसा को बनी इसराइल ने उस रास्ते से उस मकाम, उस वादी के अंदर बीच वादी के अंदर बीच रास्ते के अंदर जवाब दे दिया और उन्होंने ये कहा कि हम तो यहाँ पे दाखिल नहीं होंगे और बुजदली का मुजाहरा कर दिया अच्छा अल्लाह ने जिन लोगों को उस वक्त समझ अता फरमाई थी।, थी तो, तो वो, वो दो, दो, दो सरदार थे तो अल्लाह ताला, ताला ने जिन्होंने उस अमानत की विलाज रखी थी।, थी तो उन्होंने बनी इसराइल को समझाया और उन्होंने ये कहा कि देखो उन्होंने बनी इसराइल को समझाया और उन्होंने ये कहा कि दखल तुम देखो तुम इन पर हमला करके दरवाजे में घुस जाओ जब तुम इसमें घुस जाओगे तो तुम ही غالب होगे क्योंकि अल्लाह की मदद है अल्लाह की मदद का वादा है अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहि अच्छा सलाम से यह वादा फरमाया था कि जब ये बनी इसराइल वहाँ दाखिल होंगे तो उसके बाद हमारी मदद इनके लिए होगी और हमालीका के ऊपर हम इनको फताअता फरमाएंगे लेकिन बनी इसराइल हमेशा की तरह इस दफा भी उन्होंने हजरत मूसा अलैहि के साथ वफादारी का मुजाहरा नहीं किया बल्कि बेवफाई की और वो सारे इनाम भुला गए कि किस तरह अल्लाह ने फ़िरौन को गर्क किया किस तरह अल्लाह ने उनको फ़िरौन से निजात दी और किस तरह अल्लाह ने इनामात किए वो सारे इनाम को भुला के बैठ गए और उन्होंने सीधा सीधा बेवफाई के जुमले अदा किए और उन्होंने कहा कि जी हम तो जो है वो आपके साथ नहीं लड़ेंगे और आप चले जाइए बल्कि उन्होंने यहां तक यूं कहा कि जी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं मूसा आप और आपका रब वहां चला जाए और आप और आपका रब जाके लड़ लें हम तो यहीं बैठे हैं यानी मूसा आप चले जाइए आप जिहाद कर लीजिए अल्लाह आपकी मदद करेंगे लेकिन हम यहाँ बैठे हैं इन्ना हुना का हम यहाँ बैठे हैं ये बनी इसराइल ने वो जुमला कहा वो जुमला कहा कि जो रहती दुनिया तक उनके माथे के ऊपर एक कलंक का टीका लगा हुआ है और रहती दुनिया तक उनके ऊपर दाग है बुजदली का बेवफाई का और दगा का अल्लाह के नबी को बीच मैदान में छोड़ देने का कि उन्होंने किस तरह से बेवफाई का मुजाहरा किया एक तरफ बनी इसराइल की बेवफाई है बनी इसराइल का यह तर्ज अमल है कि जब वो हजरत मूसा आलाम के मोजात अपनी आँखों से देखने के बाद अपने नबी के साथ गद्दारी करते हैं और बेवफाई करते हैं लेकिन दूसरे तरफ क़ुरबान जाइए क़ुरबान जाइए हम सब के हम सब के रहनुमा, हम सब के हम सब के, सब के, हम के लिए उसवा और नमूना अल्लाह के नबी सने पैगम्बर इस्लाम सलम अपने निहते जानसारीन सौ तेरह सहाबा कराम के साथ बदर के मैदान में मौजूद है और सामने एक हजार मुसल्ला काफिर कुरैशियों का लश्कर खड़ा हुआ है और नज़र ये आता है कि अगर लड़ाई होती है तो उसके बाद मुसलमानों का बचना मुश्किल नज़र आता है ऐसे मौके के ऊपर नबी पाक अलैहि सल्लतु व सलाम फ़िक्रमंद हैं अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं और इस मौके के ऊपर एक सहाबी हज़रत मिकदाद इब्ने असवद रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़ते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह अल्लाह की कसम है हम आपसे वो बात नहीं कहेंगे जो हजरत मूसा की कौम ने हजरत मूसा से कही थी कि, कि फब्बू का फकिला इन्ना हा हू ना कि उन्होंने कहा था कि ए नबी आप और आपके रब जाइए और लड़ लड़ लीजिए तो हम यहीं बैठे हैं बल्कि ए नबी नभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके दाएं से आपके बाएं से आपके सामने से और पीछे से आपका दिफा करेंगे आपकी तरफ से मुकाबला करेंगे आप बेफिक्र होकर मुकाबले की तैयारी फरमाएं। नबी पाक सलाम अपने सहाबी जान सहाबी की इस बात को सुनकर खुश हुए सहाबा में जोश और जज्बा पैदा हो गया और फिर बदर का वो मारे का पेश आया कि जिस मारे के ने जान की वफादारी की बहादरी की और शजात की दास्तान रकम की और रहती दुनिया तक, तक इस्लाम के सीने उपर, के ऊपर इस्लाम की पेशानी के ऊपर एक झूमर है एक वफादारी तो का एक अजमत का एक फ़खर का एक झूमर है जो गजब बदर के नाम से मौसूम है और जो तारीख के अंदर मौजूद है तो एक तरफ बनी इसराइल का वो किरदार और एक तरफ जनाब मोहम्मद सल अल्लाह वसलम के जा सहाबा का किरदार ज़मीन और आसमान का फ़र्क है खुलासा कलाम यह है कि बनी इसराइल ने हजरत मूसा से बेवफाई का जो मुजाहरा किया इसके बाद हजरत मूसा ने अल्लाह के सामने अपने आज़जी की और अपने बेबसी का इजहार किया कि रब्बी रबी इन को सिर्फ तो अपनी जान का और अपने भाई का इख्तियार है क्योंकि उनके भाई हजरत हारून अलीसलम भी अल्लाह के नबी थे

और वो सजा यह दी कि फा मुहर सना के मुल्क शाम की जमीन बनी इसराइल पर चालीस साल के लिए हराम करा दे दी गई फरमाया कि अब ये जमीन इनके ऊपर चालीस साल के लिए हराम है अगर ये वहाँ जाना भी चाहें तो नहीं जा सकेंगे यती हुना फिल अर्ज ये इसी जमीन में ही घूमते रहेंगे अब इनको यही जमीन में सर मारते फिरेंगे इनको ना आगे जाने का रास्ता मिलेगा और न पीछे जाने का रास्ता मिलेगा चुनाचे बनी, इसराइल बनी को अल्लाह ने उस तीह के, के अंदर महसूर दिया। दिया। कर दिया कर दिया, उनका लॉकडाउन कर दिया ना वो आगे जा सकते थे मुल्क शाम की तरफ और ना वो पीछे मुल्क मिस्र की तरफ जा सकते थे जहां जाते थे सफर करते थे सुबह से लेकर शाम तक और जब आखिर में सफ़र करके थक के रुक जाते थे तो रात को सोते थे तो सुबह उठने के बाद वहीं पर पड़े होते थे जहाँ से सफ़र शुरू किया था ये आप अंदाज़ा लगाइए कि बनी इसराइल उनकी उस वक्त की तादाद मुफसरीन कराम ने लिखी है कि तकरीबन छः लाख की आबादी थी छः लाख इंसानों की आबादी उस वादी तीह के अंदर मौजूद है जो वादी एक नब्बे सौ मील बाज रिवायात में आता है कि नब्बे बाई सताइस मील का एक रकबा था एक तरफ से नब्बे मील लंबाई और दूसरी तरफ से सत्ताईस मील चौड़ाई ये कोई बड़ा रकबा नहीं होता लेकिन ये जो रकबा था इस रकबे के अंदर यह छह लाख इंसान पड़ाव डाला हुआ था और इस रकबे को अल्लाह ने एक जेल बना दिया एक ऐसी जेल जिसके पहरेदार नजर नहीं आते जिसकी दीवारें नजर नहीं आती जिसकी कोई जिसके कोई गेट नजर नहीं आते जहां पे कोई चेक पोस्ट नजर नहीं आती लेकिन उस मैदान में छ लाख इंसानों की आबादी टक्कर मारती है आगे बैतुल मकदस जाना चाहती है तो वहां का रास्ता नहीं मिलता पीछे मिस्र को अपने घर को जाना चाहते हैं तो वहां का रास्ता नहीं मिलता अल्लाह ने बनी इसराइल को उस मैदान के अंदर ऐसा लॉक कर दिया और गोया के आजकल जो अतला इस्तेमाल हो रही है लॉकडाउन की ये कुर करीम ने वो लॉकडाउन बतलाया है कि जो बनी इसराइल को मिला बनी इसराइल के ऊपर अजाब की शक्ल में उतरा और ये अजाब था कि अल्लाह के लिए जो उनको जिहाद करने का हुक्म दिया गया था उस जिहाद के हुक्म से पीछे हटे अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की अल्लाह के नबी से बेबाई की उस लॉकडाउन का शिकार हुए और उस बात के के अंदर अंदर गुम होकर रह गए बनी अब अब उस उस वादी मौजूद है अब आप लेकिन ने जो लॉकडाउन किया था अल्लाह ने जो उनको वहाँ पर कैद किया था तो कुर्बान जाइए अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नमतों के ऊपर एक तरफ तो उनके ऊपर सजा है लेकिन दूसरी तरफ Allah के नबी भी वहाँ मौजूद हैं हजरत मूसा और हजरत हारून अलीसलम भी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी की वजह से अल्लाह इस इन कैदी लोगों के ऊपर भी अपनी नमतें बरसा रहे हैं चुनाचे हुआ ये कि जब बनी इसराइल वहाँ खुले मैदान में पड़े हुए तो मैदान में तो धूप लगती है सूरज निकलता है तो जिस्मों के ऊपर गर्मी लगती है तो आ गए हजरत मूसा के पास कि हजरत जी दुआ फरमाइए कोई हल निकालिए हमारे ऊपर धूप आ रही है हज़रत मूसा ने दुआ फरमाई तो वजलाम अल्लाह ने उनके ऊपर बादलों की छतरी लगा दी बादलों का साया कर दिया चुनाचे जब ये लोग चलते थे तो बादल उनके साथ साया करके चला करता था आप अंदाजा लगाइए बादल है जहाँ जाते हैं तो बादल साथ चलता है अल्लाह ने छत का इंतजाम किया फिर उनको पीने के लिए पानी की जरूरत पड़ी क्योंकि उस उस मैदान में पानी कहाँ से आए हजरत मूसा के पास आए तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि इस पत्थर के ऊपर आप लाठी मारिए अल्लाह ने उस पत्थर पे बारह चश्मे बारह चश्मे निकाल दिए बारह कबीलों के लिए बारह चश्मे और वो पत्थर ऐसा था कि जो हर वक्त उनके साथ साथ रहता था जब पानी की जरूरत होती थी हजरत मूसा उस पर असा मारते थे पान... पानी के चश्मे जारी हो जाते थे जब जरूरत खत्म हुई पानी के चश्मे बंद हो गए और हजरत मूसा सलाम के साथ अल्लाह ने गोया के पानी का ऐसा टैंकर उनको अता फरमा दिया कि जहाँ से छह लाख इंसानों के लिए पानी का इंतजाम हो रहा है और उस मैदान के अंदर हो रहा है जहां से नीचे से या ऊपर से पानी निकलने की कोई सूरत मौजूद नहीं है हजरत मूसा आलिया की बरकत से पानी की तकलीफ खत्म हुई आगे भूख भी तो लगती है जब भूख की शिकायत की, की। हजरत मूसा अली सलाम की दुआ से अल्लाह ने उनके ऊपर आसमानी غذا मन और सलवा नाजिल फरमाई व अनजलना अलैहिमल मन व सलवा अल्लाह ने उनके ऊपर मन और सलवा नाजिल फरमाया चुनाचे अल्लाह के दिए हुए रिज़्क को खाते थे और अपना पेट भरा करते थे सुबह रिज़्क उतरता था फिर शाम को रिज़्क उतरता था यही अंदाजा कीजिए लॉकडाउन के अंदर अल्लाह ने उन बंदों को उन कैदी लोगों को उन सज़ा याफ्तः लोगों को अल्लाह ने उनको ग़ा की तकलीफ़ नहीं होने दी उनको पानी की तकलीफ़ नहीं होने दी उनको साए की उनको रिहाइश की तकलीफ़ ना होने दी, दी. हती कि उनके जो कपड़े थे कपड़े कहाँ से लेके तो आए तो रवायात में ये भी आता है कि वो कपड़े उनके ख़राब नहीं होते थे कपड़े बड़े होते थे तो कपड़े भी बड़े हो जाते थे हती कि बहुत सारी अल्लाह तला ने उनके साथ ये मामला फरमाया अब रात भी हो गई ज़ाहिर है कि रात भी होती थी रात हो तो रोशनी का इंतज़ाम कैसे करें तकाजा होता है ज़रूरत होती है सोना होता है बिस्तर होता है जब उस रोशनी के लिए फिर अब अल्लाह के नबी के पास गए एक बात ये समझिए कि हर मसले का हल अल्लाह के नबी के पास मिलता है हर मसले का हल अल्लाह के नबियों के पास मिलता है चुनाच बनी इसराइल बहरहाल अल्लाह के आजाब का शिकार थे लेकिन जाते थे अल्लाह के नबी के पास ही तो अल्लाह के नबी के पास गए और हजरत मूसा ने जब दुआ फरमाई तो अल्लाह ने वहां पर उनके लिए एक लाइट टावर वहां खड़ा कर दिया रोशनी का मीनार खड़ा कर दिया लाइट टावर खड़ा कर दिया बनी इसराइल के लिए उस मैदान के अंदर एक रोशनी का इंतजाम फरमाया कि जिस रोशनी के अंदर ये सारे लोग अपने काम काज किया करते थे आप अंदाजा लगाइए आज से चौदह सौ साल पहले जनाब नबी पाक अली पाकाम ने ये सारी तफसीलात बयान फरमाई हैं कि जिस जमाने के अंदर लाइट टावर का कोई तस्वर मौजूद नहीं था लेकिन अल्लाह के नबी सल्म की यह तालीमत यह अहादीस ये रिवायात ये किताबों के अंदर मौजूद हैं आज दुनिया ने तरक्की की है बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं लेकिन ये उस जमाने में इनका तस्वुर नहीं था और ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला ने बगैर इसबाब के हजरत सलाम की दुआओं से बनी इसराइल को अता फरमाई थी गरज ये लोग चालीस साल इसी वादी के अंदर पड़े रहे इसी वादी के अंदर पड़े रहे और हजरत मूसा हज़रत सलाम और हजरत हारून सलाम भी वहाँ मौजूद रहे लेकिन आखिरकार हज़रत हारून सलाम की वफ़ात हो गई उसके बाद हज़रत मूसा सलाम की भी वफात हो गई इसी मैदान में वफात हो गई फिर हज़रत यूशा बिन नून को अल्लाह ने बनी इसराइल का नबी बनाया और उनके बाद और भी नबी आए बहरहाल फिर बनी इसराइल की जब ये चालीस साल मुकम्मल हुए उनकी सजा का वक्त मुकम्मल हुआ सज़ा का अरसा मुकम्मल हुआ तो उन्होंने फिर अपने नबी के साथ मिलकर उस अर्ज़ मुकद्दस के ऊपर जिहाद का अज़म किया और आखिरकार वहाँ पे उन्होंने उनकी कयादत में अपने नबी की क्यादत में बैतुलमस के जिहाद के लिए रवानगी इख्तियार की और वहाँ जाकर आखिरकार अल्लाह के वादे के मुताबिक मुल्क शाम उनके हाथों फतेह हुआ और उनको दोबारा वो बैतलमस की जमीन सरजमीन मिली तो खुलासे की बात यह हुई कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अपनी नाफरमानी और अपने हुक्म को छोड़ने की वजह से एक वादी के अंदर पाबंद कर दिया मह, महदूद कर दिया कर दिया, और उनको एक अनदेखी जेल के अंदर अल्लाह ताला ने बंद कर दिया और इस इस जेल से इस सजा से जो खलासी हुई वो खलासी भी हुई इस वजह से कि जब उन्होंने मकदस का मकदस के जिहाद का अजम किया और अल्लाह ताला ने उनको खलासी अता फरमाई और उसके बाद फिर आखिरकार मकदस फतह हुआ हमें सबक ये मिलता है बनी इसराइल की जिंदगी में हमारे लिए सबक है हमें सबक ये मिलता है कि लॉकडाउन अल्लाह के अल्लाह की तरफ से एक तकलीफ और एक आजमाइश है मौजूदा हालात में जिस तरह निज़ाम ज़िंदगी मतल है और लोग एक वायरस की वजह से मीषत को, वाईशत वाईशत को आमाल को और माशरती मेल जोल, जोल को हर तरह से रहन सहन में और बाकी तमाम ताल्लुक में तिजारतों में हर तरह की चीज़ों में लॉकडाउन का शिकार हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जो हमारे ऊपर हालात आए हैं ये अल्लाह की नाफ़रमानी का नतीजा है अल्लाह अपनी नाफरमानियों और बंदों की तरफ से जो कोताहियाँ होती हैं उनको देखने के बाद एक वक्त में बंदे के ऊपर बंदों के ऊपर एक तकलीफ और परेशानी भेजते हैं वलाना दून अकबर और उसका उसका मकसद ये होता है कि बंदे अल्लाह की तरफ की रुजू करें परेशानी में अपने गुनाहों की माफी मांगिए अपने गुनाहों से और तोबा और इस्तफार की जरूरत है जो इज्तमी गुनाह हमने अपने ऊपर और इस कौम के ऊपर मुसलत किए हुए हैं पर 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 जिसने ला मीशत लानत 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 को बर्बाद किया जिसने महंगाई कोरूज पर पहुंचाया और जिसने गरीब का इस्तेसाल किया और जिसने मीशत के अंदर कीड़ा लगाया मीषत को घुन का कीड़ा लगाया और आखिरकार अल्लाह से एलान जंग के नतीजे में हम मुसीबतों का और परेशानियों का मुस्तकिल शिकार हैं तो एक तो सूद दूसरे फाशी और बेहयाई और तीसरा झूठ और चौथे नंबर के ऊपर जितने भी गुनाह के काम जिसके अंदर हम मुलविस हैं चाहे वो खुलेआम शराबों का इस्तेमाल है जु, जु, जुए खानों का कारोबार चल रहा है और गुनाहों के एक मुस्तकिलफरादी गुनाहों के सिलसिले हैं तो इन तमाम गुनाहों से तोबा और इस्तगफार करने की जरूरत है और अल्लाह के अमर की तरफ वापस आने की जरूरत है मसाजिद को आबाद करने की जरूरत है याद रखिए कि, कि मौजूदा हालात में एहतियाती एहतियाती मस्जिदों को आबाद करना मस्जिदों को नमाजों से आबाद करना मस्जिदों के अंदर अल्लाह के सामने गिड़ गिड़ाना और दुआएं करना और अल्लाह के सामने अपने सिजदों के अंदर अपनी पेशानियों को रगड़ना ये हालात में बेहतरी ले आने का सबब है ये हालात को दूर करने का और हालात हालात को अच्छा करने का सबब है अल्लाह से दूर होना मस्जिदों को वीरान करना, यह हालात में बेहतरी का सबब नहीं है यह हालात को बिगाड़ने का सबब है क्योंकि अल्लाह का कानून है और नबी पाक सलातम ने अपनी अहादी से मुबारक में इस बात को बयान फरमाया है कि जो अल्लाह के अजाब आते हैं वो मस्जिद वालों से अल्लाह पाक दूर फरमा दिया करते हैं और जब अल्लाह कोई किसी बस्ती में अजाब का फैसला फरमाते हैं या कोई मुसीबत भेजने का फैसला फरमाते हैं तो वो मस्जिदों को आबाद करने वालों से हटा ली जाती हैं तो मस्जिदों को आबाद करना और मस्जिदों के अंदर आमाल का अहतमाम करना हाँ ये जरूरी है कि उन तमाम हिदायत को पूरा किया जाए कि जो हिदायत कराम ने बतलाई है और जो हिदायत हमारे अतब्बा बतलाते हैं लेकिन उसके साथ साथ आमाल की तरफ रुजू करना ये बहुत जरूरी है इसलिए कि हजरत अनसरदी अल्लाह हजूर अकबर सल्लाम से अल्लाह तला का ये रिशात नकल करते हैं कि मैं किसी जगह अजाब भेजने का इरादा करता हूँ मगर वहाँ ऐसे लोगों को देखता हूँ जो मस्जिदों को आबाद करते हैं अल्लाह के वास्ते आपस में मोहब्बत रखते हैं आखिर रातों में इस्तफार करते हैं तो अजाब को मौकूफ़ कर देता हूँ तो मस्जिदों को आबाद होना चाहिए मस्जिद अल्लाह का घर है और घर आने वाले का इकराम होता है इसलिए अल्लाह पर उनका इकराम जरूरी है जो मस्जिदों में हाजिर होने वाले हैं लिहाजा मस्जिदों को आबाद कीजिए जवानों को मस्जिदों में लाइए सिजदों मस्जिदों को सिजदों से आबाद कीजिए और अल्लाह के सामने रोइए और गिड़ गिड़िए इन शज़ीज़ पूरी कौम जब अल्लाह की तरफ रुजू करेगी अल्लाह इस लॉकडाउन से हमको अता फ़रमाएंगे और अल्लाह इस परेशानी से हमको निजात फ़रमाएंगे कि जिस परेशानी के अंदर इस वक्त हम सब बहसीत कौम के और बहसीत उम्मत के मुबतला हैं अल्लाह ताली हम सब को अमल की तोहफ़ी अता फरमाए अल्लाह ताली हम सबको हमारे हम सब के ऊपर से इस मुसीबत को और बला को दूर फरमाए और हमें कुरान करीम से रहनुमाई लेने की तौफीक अता फ़रमाए व आखिर रब्बिल आलमीन